बेतरतीब बिखरी पड़ी चप्पलें, लाल रंग से लथपथ कटे फटे निर्जीव बदन, लाखों लोगों के करुण क्रंदन से कांपती धरती, लाशों के ढेर में जीवन की आस लिए अपनों को ढूंढती बेचारगी समेटे लाखों आंखें। कुछ समय पहले जहां भक्ति का उबाल था, वहां अब मौत का सैलाब था। कुछ समय पहले जहां अपने पूज्य की एक झलक पाने को लाखों का सैलाब था, वहीं अब डेढ़ बीघा जमीन में दूर दूर तक मातम पसरा हुआ था। कुछ देर पहले तक सत्संग से निहाल हो रही धरती का रंग अब लाल था। कराह रहे थे घायल, सिसक रही थी जिंदगियां। जमीन पर घुटनों के बल घिसट रही थी अंधभक्ति और दम तोड़ रही थी व्यवस्था। एक बार फिर मानवता पर अंधभक्ति भारी पड़ी थी। अंधभक्ति सैकड़ों जानों को पूरी बहरहमी से लील गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाथरस कांड पर, इसके गुनहगारों पर और इसकी वजहों पर। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। हाथरस हादसा और विवादों में घिरे बाबा सूरजपाल। कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। जब वो प्रवचन स्थल से निकले तो चरण रज लेने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिससे ये हादसा। एक बार फिर से मानवता शर्मसार हो उठी। खुद को भगवान कहलाने वाले एक शख्स की सनक और कुछ लोगों की अंधभक्ति ने सैकड़ों जाने ले ली। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है। हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहाँ साकार की भी पूजा की जाती है और निराकार की भी। हम मूर्ति भी पूजते हैं और पत्थर भी। लेकिन क्या हो अगर कोई शख्स खुद को ही भगवान बताने लग जाए? क्या हो अगर लोग उसे पूजने लग जाए? क्या हो अगर उसकी एक झलक पाने को लोग बेताब होते? यकीनन उसका अंजाम यही होगा जैसा हाथरस में हुआ। हमारे यहाँ देवी देवताओं की कमी नहीं है और हर कोई अपने आराध्य को पूजने के लिए स्वतंत्र है। इसके बावजूद अगर लोग किसी जीते जागते शख्स को भगवान मान बैठे तो उन्हें भला क्या कहा जाए? बाबा नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह ने भक्ति की वो इबारत लिखी जो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। खुद को भगवान बताकर उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी हमारे यहाँ बड़ी जनसंख्या निरक्षर है और ऐसे बाबाओं के निशाने पर पहले पहल अक्सर कम पढ़े लिखे, पिछड़े और वंचित समाज के लोग ही होते हैं। एक बार यहाँ पैठ बनाने के बाद वो समाज के बाकी हिस्सों को अपने चपेट में लेने की कोशिश में जुट जाते हैं। वो खुद को मसीहा बताते हैं, सारे दुख दर्द दूर करने का दावा करते हैं और धीरे धीरे समाज में पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। अक्सर ऐसे बाबाओं का साम्राज्य आश्रम बेहद खुफिया तरह का होता है। बाहर के लोगों को शायद ही कभी पता चल पाता हो कि अंदर क्या होता है। ये लोगों के बीच अपनी एक ऐसी रहस्यमयी छवि बनाते हैं कि लोगों में उन्हें जानने का, उनसे मिलने का कौतूहल पैदा होता है और जो एक बार उनके संपर्क में आ जाता है वो हमेशा के लिए इनका हो जाता है। फिर तो ये जहां और जब बुलाएं लोग सारी मुश्किलों को दरकिनार करते हुए पहुंच ही जाते हैं। ये लोग कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर खुद को भगवान बताने वाले का इतिहास क्या है, या यूं कहें कि उनके पास ये जानने का कोई तरीका ही नहीं होता। वो तो उसके बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना उन्हें समझाया जाता है। इस काम में मदद करते हैं उस कथित भगवान के साथ ही जो शख्स की भगवान रूपी छवि तैयार करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। बाबा नारायण साकार विश्वहरि आम बाबाओं से एकदम अलग है। ये सूट बूट वाले बाबा हैं। ये बाबा कोट पैंट पहनते हैं, काला चश्मा भी लगाते हैं, चांदी जड़ सिंहासन पर बैठते हैं। यानी ये सदियों से साधुओं बाबाओं की जमी जमाई बनी बनाई परंपरा से हटकर है। वो कोई धर्म को भी नहीं मानते, बल्कि भक्तों की भीड़ ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वो एक अलग ही धर्म बनाने के रास्ते पर थे। वो धर्म था मानव धर्म। वो खुद को भगवान साकार हरि का शिष्य मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव ने भी साकार हरि को ही अपना गुरु माना है। अपने प्रवचन में खुद को ब्रह्मांड का स्वामी बताते रहते हैं। इतनी सारी असामान्य बातें होने के बाद भी लोगों ने कोट पैंट और काले चश्मे में लिपटे शख्स को भगवान मान लिया। उसकी भक्ति में इस कदर लीन हो गए कि वो सब कुछ भुला बैठे। असल में ऐसे ही लोगों के लिए शब्दकोश में एक शब्द उपलब्ध है और निसंदेह इन लोगों को उसी उपाधि से नवाजा जाना चाहिए, अंधभक्त। जी हाँ, अंधभक्त। इस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये बात हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। जब लोग किसी को बिना जाने समझे उसकी हर बात आंख मूंद करके मानने लगे, यहाँ तक कि उसे भगवान का दर्जा तक दे दें, तो उसे भला और क्या कहना चाहिए। बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए भक्तों ने हजारों लोगों की जान मुश्किल में डाली, सैकड़ों जाने भी ले ली। हैरत है कि जो बाबा उन्हें मानव धर्म सिखाने का दम भर रहा था, वही बाबा अपने भक्तों को शांति और धैर्य का पाठ नहीं पढ़ा सका। और जो खुद को भगवान मानता है उस हादसे के बाद से वही लापता है। उसकी भक्ति ने भक्तों के प्राण हर लिए, वही मुश्किल वक्त में वो अपने भक्तों को अकेला छोड़ करके चला गया और अब उसका कुछ अता पता नहीं है। आखिर ये कैसे भगवान है? खुद छिपकर वकील के जरिए बयान देने वाले बाबा ने खुद को पाक साफ करार दे दिया है। खुद को भोले बाबा यानी कथित भगवान का भक्त बताने वाले सेवादार कैसे भक्त हैं? जब भक्तों पर मौत आफत बन करके टूटी तो सब भाग निकले। गौरतलब है कि पूरे आयोजन की जिम्मेदारी इन्हीं सेवादारों की होती है। ये आयोजन स्थल पर प्रशासन को घुसने भी नहीं देते। हादसे के बाद से ही ये सेवादार फरार है। एक तरफ बाबा लापता है तो सेवादार फरार है। भक्त भले ही पूरी श्रद्धा से अपने भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन बाबा रूपी कथित भगवान और उसके सेवादार भक्तों को भक्ति का कौन सा फल दे रहे हैं?
खबरों की माने तो सूरजपाल सिंह कभी पुलिस विभाग में सिपाही पद पर था, लेकिन सालों पहले उसने ये नौकरी छोड़ दी। अब उसने वीआरएस लिया, इस्तीफा दिया या उसे नौकरी से निकाल दिया क्या, ये तो बाद में ही पता चलेगा। एक इंटरव्यू में खुद को सूरजपाल की बहन बताने वाली एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि सूरज ने पुलिस की नौकरी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसे शक्ति प्राप्त हो गई थी। उस शक्ति का आभास उन्होंने खुद भी किया था। उनकी बहन ने यह भी बताया कि बाबा के आश्रम में कई चमत्कारिक नल भी लगे हैं जिसके पानी से नहाने से भक्तों के सब दुख दर्द और रोग दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको लिए चलते हैं आज से करीब 24 साल पहले, बात है साल 2000 की। 3 जुलाई को द इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में मार्च 2000 में शाहगंज आगरा थाने के इंचार्ज रहे तेजवीर सिंह के हवाले से बताया गया कि उस दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। जब उसका परिवार लड़की के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था तभी वहां सूरजपाल करीब 200 लोगों के साथ आधमका। उन लोगों ने परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार करने से रोक दिया और दावा किया कि बाबा जी लड़की को फिर से जिंदा करेंगे। उन लोगों ने जबरदस्ती डेड बॉडी ले ली। वहां मौजूद लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई और पुलिस को सूचना दे दी। जब वहां पर पुलिस पहुंची तो बाबा के अनुयायी पुलिस पर ही हमलावर हो गए। बाद में पुलिस बड़ी मशक्कत से बाबा को थाने में ले जाने में कामयाब हो पाई। 18 मार्च 2000 को इस मामले में एक FIR भी दर्ज की गई जिसमें सूरजपाल का नाम भी था। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में सूरजपाल बरी हो गए। अब बात मई 2022 की। देश में कोरोना की लहर चल रही थी। उस दौरान यूपी का फर्रुखाबाद में इनके सत्संग का आयोजन किया गया। प्रशासन ने सत्संग में महज 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी, लेकिन वहां पर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। सत्संग में 50 के बजाय 50,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि फर्रुखाबाद की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। वहां की सड़कें गलियां तक जाम हो गए। तभी जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। ये दो खबरें ये बताने के लिए काफी हैं कि सूरजपाल किस तरह से बाबा बना। अगर समय रहते उस पर कार्रवाई हुई होती तो उसका दुस्साहस इतना न बढ़ गया होता। हालांकि ये भी बात सच है कि ऐसे बाबा बिना पॉलिटिकल कनेक्शन के इतने बड़े नहीं बन सकते। इतना बड़ा साम्राज्य और अपना कद बनाने बढ़ाने में कहीं न कहीं कुछ ताकतों और प्रभावशाली लोगों का हाथ जरूर होता है। खबरों की माने तो बीते साल अखिलेश यादव ने भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई थी। उन्होंने एक्स पर बाबा के साथ अपनी फोटोज भी शेयर की थी और लिखा था, नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो। हालांकि किसी की आस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है, लेकिन जब इस तरह के प्रभावशाली लोग ऐसे बाबाओं के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं तब लोगों में, समाज में एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है। इन लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह से लोग बाबाओं को फॉलो करते हैं उसी तरह से नेताओं को भी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बाबा के कई और ऐसे कनेक्शन निकल करके सामने आए, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबा के प्रति खुलेआम अपनी आस्था दिखाने वाले ये लोग अब लोगों से माफी मांगेंगे। ये खबर सैकड़ों लोगों के मारे जाने से ठीक अगले ही दिन लगभग हर अखबार में छपी, हर न्यूज चैनल पर चली, लेकिन अफसोस इससे पहले यह खबर न तो कहीं देखी गई, न पढ़ी या सुनी गई। अब सूरजपाल रातों रात तो लाखों लोगों का भगवान नहीं बन बैठा। अगर लाखों लोग उसे भगवान मानते हैं तो भला मीडिया को इस शख्स की कोई जानकारी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या बजा रही FIR की खबरें आ रही है? क्या रातों रात मीडिया ने उसकी कुंडली खंगाल डाली? जब हमने बाबा से संबंधित जानकारी जुटानी शुरू की तो हैरान रह गए। बाबा के पुराने सत्संगों से जुड़ी खबरें तमाम अखबारों और न्यूज पोर्टल्स पर मिली। खास बात ये थी कि खबरों में बाकायदा बाबा का महिमा मंडन भी किया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि दिन गुजरने के साथ रोज इसमें तमाम नए नए खुलासे होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे मामलों में मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ नहीं दिखता। मीडिया का दायित्व है कि वो समाज में हो रहे गलत कामों को उजागर करे जिससे समाज में जागरूकता फैले। अब बात प्रशासन की। हैरत की बात है कि जहां पर हजारों लाखों लोगों का जमावड़ा होने वाला था वहां पर प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। ना तो भीड़ के प्रबंधन के इंतजाम किए गए, ना ही इमरजेंसी में हालात संभालने की कोई व्यवस्था थी। खबरों की माने तो बाबा के सत्संग में उनके सेवादार ही सुरक्षा में लगते थे। हैरानी के प्रशासन इस बात पर भरोसा भी कर लिया। उसने मान लिया कि बाबा के सेवादार लाखों लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त है। इससे घोर लापरवाही और क्या हो सकती है? आखिर सत्संग स्थल पर अनुमति से दोगुने लोग कैसे जमा हो गए? क्या प्रशासन को कुछ भी पता नहीं चल सका या फिर बाबा के किसी दबाव में थे? यह इसलिए और भी दुखद है क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता से इसे रोका जा सकता था। पुलिस के ही खुफिया तंत्र ने 1.25 लाख लोगों से भी ज्यादा की भीड़ जुटने और किसी अप्रिय घटना के घटने का अंदेशा जताया था, इसके बावजूद जिम्मेदार नहीं चेते। वैसे भी हमारे देश में जिम्मेदार तभी जागते हैं जब हादसे हो जाया करते हैं। देश के किसी कोने में कहीं ब्लास्ट हो जाए तो रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट्स पर चेकिंग शुरू हो जाती है। कहीं स्कूल में वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है। कुछ दिन में सब कुछ फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आता है। जिस तरह से इस सत्संग के आयोजन में प्रशासन की तरफ से नियमों की धज्जियां उड़ाई गयी वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में सैकड़ों मौतों का जिम्मेदार प्रशासन को क्यों नहीं माना जाना चाहिए? उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होनी चाहिए? ये ठीक है कि आयोजक कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन को घुसने नहीं देते, लेकिन इतने भर से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। इतने बड़े आयोजन को प्रशासन भला दूसरों के भरोसे कैसे छोड़ सकता है? हादसे के बाद हो हल्ला चाहे जितना मच रहा हो,
लेकिन डर कि कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति न कर दी जाए। जिस तरह पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर डाली जा रही है, उसे तो यही लगता है कि बाबा पर जांच की आंच शायद ही पड़ेगी। इस हादसे के लिए पूरी तरह से आयोजकों को गलत ठहराना गले से नहीं उतरता। जिसकी भक्ति में लाखों की भीड़ उमड़ी, उस बाबा की इसमें भूमिका को भला कैसे नकारा जा सकता है। जरूरत है कि ऐसी कार्रवाई की जो नजीर बने, तभी ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, अन्यथा ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। बस जगह बदल जाएगी और बाबाओं के नाम बदल जाएंगे। इसमें कोई दोराय नहीं कि सूरजपाल कोई इस देश में न तो पहले बाबा यानी कथित भगवान है और न ही आखिरी। ऐसे बाबाओं की पूरी फौज ये देश के गली गली कूचे कूचे में है। सबके भक्तों की अपनी फौज भी है, भक्त कहें या अंधभक्त। यकीन मानिए, इतने बड़े हादसे के बाद भी बाबा के भक्तों की संख्या में शायद ही कोई गिरावट आएगी और शायद ही कोई इस हादसे के लिए बाबा को जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि बाबा ने अपने प्रवचनों से उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है जिसे खोलना उनके लिए नामुमकिन है। जरूरत है इस देश को कथित बाबाओं के मकर जाल से मुक्ति दिलाने की और ये तय करने की कि फिर ये देश कभी ऐसे हादसों का शिकार ना हो सके। इसके लिए जरूरी है हर स्तर पर मजबूत इच्छा शक्ति की और लोगों के जागरूक होने की, ताकि हादसों के नाम पर हत्याओं को रोका जा सके। और प्रिय दर्शकों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब हम अपने धर्म को छोड़ करके किसी इंसान को भगवान की तरह पूजने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों का अंजाम बस कीड़े मकोड़े की तरह मरने का ही है। बाकी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।